कि इस फीमेल के जो अंडे हैं ना हम उठाने वाले हैं और इनके अंडों को उठा के हम कहीं और ट्रांसफर करने वाले हैं। यार एक तो इनके पंगे नहीं खत्म होते, जब भी मैं आता हूँ ना ये प्यालियाँ जो होती हैं इनको उल्टा किया होता है तो मुझे फिर से इनको सीधा करके पानी डालना पड़ता है और ये पूरा दिन ऐसे ही करते रहते हैं। अभी इसको खोल के ना मैं निकालता हूँ, सीधा करता हूँ और फिर से पानी और दाना डालना है इनको। ये लो भाई हो गई, ये लो पानी पियो, तुम भी पानी पियो। अभी मैं लेके आता हूँ दाना ताकि ये दाना खाएं, भूखे लग रहे हैं। ये लो भाई तुम लोगों का दाना भी आ गया। इन्होंने यार फिर से नहीं खाया, इन्होंने तो सारा ख़त्म कर दिया। और लो और इनके पास भी ख़त्म हुआ पड़ा है तो इनको भी डालते हैं। ये लो खाओ, खाओ ना दाना, खा लो मेरे बच्चों, आपके लिए लेके आया हूँ, जल्दी खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो यार अभी शाम का टाइम है और मौसम देखें कितना ही प्यारा हो रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि आज हम अपने पिजन्स को बाहर निकालें क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत प्यारा मौसम है। और उसके साथ ही हमने एक बहुत ही स्पेशल काम करना है, वो स्पेशल काम क्या है वो भी आपको अंदर चल के मैं दिखाता हूँ। यार सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, सच में यार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यार एडिट्स ऑफ इस्लामिक वॉरियर ने कमेंट किया कि वाइट वाली डक रखें, तो ब्रो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर हम ब्लैक वाली को रखेंगे तो उसके साथ जो फीमेल होगी ना वो हम वाइट वाली ले आएंगे। और थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। इन पिजन्स को तो मैंने अभी अभी दाना डाला है और इनके अंदर क्रेट्स वगैरह भी हमने रखना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हमने एक क्रेट रखी है, यहाँ पे एक छोटा सा पिंजरा है वो रखा है और नीचे भी एक क्रेट रखी है। अभी इनको मैंने पानी भी डाला है और दाना भी डाला है लेकिन ये खा नहीं रहे क्योंकि मुझे लगता है शायद इनको भूख नहीं लगी हुई। और मज़े की बात ये कि इनका जो पेयर है ना वो लग चुका है, नीचे वाले का भी पेयर लग चुका है लेकिन उनका मुझे नहीं समझ आ रही, जो हमारे ब्लैक लकी पिजन्स हैं ये देखें, इनका मुझे नहीं पता चल रहा कि इनका पेयर लगा या नहीं क्योंकि यार इनको पहले मैं अंदर भी बंद कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा और वहाँ भी इन्होंने पेयर नहीं लगाया था। हो सकता है यार इनकी बनती ना हो या पता नहीं क्या दुश्मनी है, ये पेयर नहीं लगा रहे। हम अंदर चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ओह यार ये देखें हमारा गजनी कैसे बैठा हुआ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं ये बीमार ना हो जाए यार, ये तो गलत बात है। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया यार तुम्हें, इतना अच्छा होता था, इतना खेलता कूदता रहता था, हर टाइम मस्तियाँ करता था, अभी बेचारा जो है ना अकेला हो गया। इसके साथ मैंने अपने असील चूजे को छोड़ा हुआ है लेकिन ये फिर भी जो है ना ऐसे सुस्त होकर बैठा रहता है। और असील चूजे को देखें, इसको भी यहाँ पे बंद किया है माशाल्लाह, ये देखें इसका नाम हमने चिंकी रखा था क्योंकि हमारा पुराना चिंकी गुम हो गया था। तो चिंकी को अभी हम बाहर लेके जाते हैं ताकि ये घूम फिरे एंजॉय करे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। अभी हम सारे परिंदों को बाहर निकालने लगे हैं, अपने पिजन्स को भी मैं बाहर निकालता हूँ और सारे परिंदों को बाहर निकालता हूँ। तो चिंकी को मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, जाओ मेरा शेर है ये शेर। तो गाइस माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी डव ने 4 अंडे दिए हुए हैं लेकिन एक छोटी सी बैड न्यूज़ है कि इसके जितने भी अंडे हैं ना वो सारे अनफर्टाइल मुझे लग रहे हैं। मैंने इनको पकड़ के उठा के देखा था और मुझे ऐसे लगा कि शायद ये अनफर्टाइल है। अभी हम हाथ में पकड़ के देख लेते हैं और कुछ आइडिया में हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठ जाओ एक मिनट ब्रो, उठ जाओ ब्रो हो या सिस्टर हो जो भी। ये लो यार ये अंडा देखो अंदर से येलो है, अगर बच्चा होता ना इसके अंदर तो ये रेड कलर का होता, तो ये तो पक्का अनफर्टाइल है। बाकी दो भी मुझे चारों ही अनफर्टाइल लग रहे हैं क्योंकि ये दोनों फीमेल्स हैं, अनफर्टाइल हैं सारे के सारे अनफर्टाइल हैं क्योंकि ये हैं ही दोनों फीमेल तो कैसे ये फर्टाइल हो सकते हैं। अभी मैंने एक आइडिया मेरे माइंड में आया वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। और यार हमारी जो फिंचेज है ना वो अंडे नहीं दे रही, मुझे लग रहा है कि शायद ये वाली जगह इनको पसंद नहीं है तो हम इस जगह को चेंज करने लगे हैं और इनका जो घर है वो यहाँ पर नीचे में बनाऊँगा। इसके ऐसा ही जो केज है ना हम वहाँ से बाहर लेके आएंगे और यहाँ पे नीचे इसका बनाएंगे। तो कैसा लगा आपको आइडिया मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ये देखें गजनी हमारा बाहर जा रहा है लेकिन ये बाहर जाके उड़ जाता है यार, पहले भी इसको मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था इसलिए मैं इसको दोबारा अंदर छोड़ देता हूँ। जाओ भाई तुम यहीं पर ठीक हो, ऐसे उड़ जाओगे तो फिर वो देखें ज़रा हमारी मुर्गी कहाँ पर बैठी हुई है, क्या ढूंढ रही हो। हमारी वाइट मुर्गी भी ऊपर है यार, वो भी मैंने आपको दिखानी थी मुझे याद नहीं रहा, आपको वाइट मुर्गी दिखाऊंगा। माशाल्लाह वो दोबारा से मुर्गे के साथ उसने मतलब पेड़ लगा लिया और वो बहुत जल्द अंडे दे के ना कुड़ुक होगी तो फिर से वो बच्चे निकालेगी। तो अभी अंदर चलते हैं हम केज में, सबसे पहले हम सारे पिजन्स को बाहर निकालते हैं और पिजन्स को बाहर निकालने के बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आपको बतानी है। मतलब ये देखें माशाल्लाह हमारे लकी पिजन्स,
कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में बैठे हुए। यार तुम लोग पेयर भी लगा देते ना तो मज़ा ही आ जाता। अब इनकी समझ नहीं आ रही कि ये पेयर इनका है या नहीं है, मतलब बैठे तो साथ में रहते हैं लेकिन कन्फर्म अभी तक नहीं है कि ये जो है ना मेल फीमेल है या नहीं। बाकी यार निकलो तुम लोग, जल्दी निकलो, ये हमारा शिराजी जो हम पट्टे लेके आए थे। तुम भी निकलो, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो, चलो 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 निकलो। अभी मैं आपको जो है ना अपनी शिजुका भी दिखाऊंगा, वो अंदर है, अंदर घर में, और वहाँ पे चल के हम उसको देखेंगे कि वो क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले हम पिजन्स को बाहर निकाल। सो गाइज़ माशाल्लाह से हमारे सारे पिजन्स बाहर निकल चुके हैं और बाहर आके ये दाना खाना स्टार्ट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है, पता नहीं यार ये तो कहाँ से आ जाता है। मैं सफाई कर करके थक गया हूँ, फिर कोई ना कोई गंद यहाँ पे आ जाता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है और घर वालों से बेइज्जती अलग सुननी पड़ती है। तो चलो जाओ उधर। कौन सा वाला बोल रहा था यार? अभी इनमें से कोई बोल रहा था और पता नहीं ये बोल रहा था कि वो, अगर ये बोल रहा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि लकी को मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा। बाकी अच्छा अच्छा वो बोल रहा है ना, वो देखें कैसे वो बेताब हो रहा है बाहर पिजन्स को देख के। वो भी बाहर आना चाह रहा है लेकिन हम इसको अभी बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी इस घर के आधे हुए ही नहीं है। तो हम इनको बाहर निकाल देंगे तो ये जो है ना इस तूफान में कहीं उड़ जाएंगे, इसलिए इनको बाहर नहीं निकालना। भाई तुम अंदर ही ठीक हो, अभी जब तुम इस घर के आधे हो जाओगे ना तब मैं तुमको बाहर निकालूंगा। तो यार जल्दी से हम अंदर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारी जो डव्स हैं ना उनके अंडे अनफर्टाइल होंगे, तो हम अपने पिजन्स के जो अंडे होंगे ना शिराजी पिजन्स के, वो अंडे उठा के इनके नीचे रख देंगे। तो आज हम यही करने वाले हैं। अभी मैं अंदर जाता हूँ और अपने शिराजी पिजन्स के अंडे देखता हूँ कि वो कैसे हैं, क्या है उनमें, क्या हो गया। हमारी फिंचेस भी आज बोल रही हैं, देखने ज़रा कैसे बोलती हैं। तो अभी हम अंडों को चेक करेंगे और उनको उठा के हम डव्स के नीचे रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा यार। मुझे लग रहा है कि शायद हमारी डव्स उनको इंक्यूबेट कर देंगी। अगर उन्होंने इंक्यूबेट कर दिया तो अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। बाकी मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और ये देखें, ये मेल है इसका और ये फीमेल है। तो फीमेल जो है ना वो अंडों पर बैठी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। तो अभी हम ऐसा करने वाले हैं कि इस फीमेल के जो अंडे हैं ना हम उठाने वाले हैं और तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं जल्दी से बाहर निकालता हूँ, मैं आपको फीमेल दिखा दूँ। ये हमारी शिराजी पेयर है जो हम लेके आए थे, ब्राउन शिराजी पेयर है। इसका मेल भी सेम टू सेम ऐसा ही है माशाल्लाह। जाओ और देखें, ये इसका मेल है। अच्छा अच्छा, आराम से इनको उठा लेता हूँ मैं। ये दो अंडे हैं देखें ज़रा। तो अभी हम इन अंडों को उठा के बाहर ले कर जा रहे हैं। भाई सॉरी यार तुम लोगों के अंडे में लेके जा रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि तुम लोग जो है ना इसको सही से संभालते नहीं हो और हमारी जो डव्स हैं इनको बहुत अच्छे से संभालेंगी और उनसे बच्चे भी निकलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले जो है इसको अंडों को यहाँ पे रख देता हूँ आराम से बिल्कुल। और ये देखें यार तूफ़ान आ गया, ज़ोर का हवाएँ चल रही हैं और बहुत तेज़ बारिश आई हुई है आज। चलो उठो, उठ जाओ, शाबाश। और तुम लोगों को भी रियली सॉरी कि यार तुम लोगों को भी अंडे उठा रहा हूँ क्योंकि वो सारे बेकार हैं यार, उनमें से बच्चा ही नहीं निकलेगा। चलो आ जाओ, मैं कुछ होता तो यार मुझे फेंकने की ज़रूरत ना पड़ती लेकिन क्या करें यार, अब मजबूरी है। चलो इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यार हमारे बर्ड्स को तो काफ़ी बुरा लग रहा होगा कि उनके अंडे जा रहे हैं लेकिन मजबूरी है ना, क्योंकि अंडों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये डव्स के नीचे पड़े रहेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि उनमें से बच्चा निकलना नहीं है। और कबूतरों के जो अंडे वो इनके नीचे आ जाएंगे तो हो सकता है उनमें से बच्चा निकल आए तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा क्योंकि पिजन कुछ दिन बाद दोबारा से अंडे दे देंगे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो अभी इन अंडों को उठा के यहाँ पर रखते हैं, ये लें यहाँ पर मैं रखता हूँ और थोड़ी देर बाद हम आके चेक करेंगे कि हमारी डव जो है ना इसके ऊपर बैठती है या नहीं। ये देखें अभी से चली गई है, अभी से चली गई है। भाई ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है तो ब्लैक वाली मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगी। तो हम ब्लैक वाली को रखेंगे और वाइट वाली को हम जो है ना वो दे के उसकी जगह एक अदद फीमेल लेके आ जाएंगे जो इसके साथ पेयर लगाएगी और कोशिश करेंगे कि हम फीमेल जो है ना वो वाइट ले आएंगे ताकि इसकी कमी भी पूरी हो जाए। अभी देखें ज़रा हमारे पिजन्स यहाँ पे कितना खुश हो रहे हैं बाहर आके, क्योंकि इनको 3 से 4 दिन बाद मैंने बाहर निकाला है तो इनकी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं है। हाँ पे घुस गई हैं, भाई निकलो इधर से। डव्स एग्स के ऊपर बैठ चुकी हैं, मतलब दो अंडे हैं तो दो डव्स, एक डव जो है ना वो एक अंडे को इनक्यूबेट करेगी और दूसरी डव दूसरे अंडे को इनक्यूबेट करेगी, तो दो डव्स जो है ना वो
दो अंडों पे बैठ गई हैं। पहले चार अंडे थे तो उनको एक डव संभालती थी, अभी दो अंडे तो दो डव्स हो गई हैं। ये तो अच्छा हो गया भाई, ये तो और अच्छी तरह संभाल लेंगी इनको, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से बच्चा शायद निकल आएगा। दो तीन दिन बाद हम कैंडलिंग करके देख लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। तो यार अभी मैं रूम में आ गया हूँ और हमारी शिज़ुका जो है ना वो यहाँ पे बैठी हुई है मज़े से। ये हर टाइम सोई रहती है, इसका और कोई काम नहीं है, जब भी मैं आता हूँ ये ऐसी बेड के नीचे घुस के सो जाती है। इधर आओ आओ, नाराज़ हो मुझसे? मुझे लगता है कल वाली बात पे शायद ये मुझसे नाराज़ हो गई है। आओ ना, क्या हो गया यार? मुझे ऐसे लग रहा है शायद ये नए घर में आई है ना, उसी वजह से ये ऐसा कर रही है, वरना शुरू शुरू में तो बहुत मस्तियाँ कर रही थी यार। चलो, क्या हो गया आपको? शिज़ुका शिज़ुका, क्या हो गया? ठीक हो ना आप? ठीक हो ना? क्या हुआ, क्यों नहीं सुन रही मेरी बात यार ये? शिज़ुका शिज़ुका, इधर आओ ना, क्या हुआ आपको? इधर आओ, आओ ना मेरे पास। मुझे लगता है आज नहीं आएगी शायद, इसका मूड नहीं है, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते तो जल्दी से बाहर जाते हैं हम। नहीं यार, हमारी शिज़ुका आज हमसे नाराज़ क्यों है मैं आपको सही से दिखा भी नहीं पाया। खैर यार, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अभी तूफ़ान तेज़ होता जा रहा है और हमने बहुत से काम करने हैं, अपने पिजन्स को जो है बंद करना है और छोटू गैंग को भी थोड़ा सा दाना वगैरह डालना है। बाकी एक दो चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, बहुत काम की चीज़ें, और हमने जो पिजन्स के आगे ना उनकी भी कैंडलिंग करनी है, कहीं वो भी ख़राब ना हो। ठीक है, अगर वो ख़राब होते हैं तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है ना, डब तंग हो जाएंगी। डब के लिए जल्दी से जल्दी हमें मेल ले कर आना है। तो ये सब चीज़ें जो हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह मिलूंगा आपको। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।